अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आप देख रहे हैं निमराज फूड डिस्कवरीज और आज मैं आपके लिए इतनी यमी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे पोटैटो स्नैक। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यूनिक रेसिपी है और मुझे उम्मीद है कि आपने ये रेसिपी पहले कभी ट्राई नहीं की होगी, लेकिन जिस तरह से आज मैं बनाना सिखाऊंगी आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे। तो चलिए फिर, देर किस बात की है, बिस्मिल्लाह पढ़कर इस ज़बरदस्त से पोटैटो स्नैक को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होंगे आलू। यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने बिल्कुल प्रॉपर मैश कर लेना है इस तरीके से। पहले बॉयल कर लीजिएगा और इसके अंदर ना बहुत ही कम स्पाइसेस जाएंगे। सिर्फ हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है, जो कि मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऐड किया है। सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे, सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून, और स्पाइसेस मैंने आपको पहले कहे इतने कम जाएंगे कि इतना टेस्टी और इतना ज़बरदस्त पोटैटो स्नैक बन के रेडी होंगे कि आप इन्हें बार बार ट्राई करेंगे। तो स्पाइसेस में मैंने इसके अंदर सिंपल ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किए हैं, चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, गर्म मसाला पाउडर और सॉल्ट ऐड कर दिया। अब आपने ना इसे एक डो की फॉर्म में ले आना है बिल्कुल। अगर आपसे स्पैचुला की मदद से मिक्स ना हो तो आप हाथ की मदद से भी मिक्स कर लीजिएगा। वैसे भी हर किसी के हाथ का अपना अलग टेस्ट होता है, तो जायका को बढ़ाने के लिए आप अपना हाथ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ना हमने इन्हें इस तरह से कबाब की शेप दे देनी है और अब हमने इसको कर लेना है क्रिस्पी। तो क्रिस्पी करने के लिए हम स्लरी बनाएंगे, जिसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे और सिंपल मैंने आपको पहले कहा था बिल्कुल कम स्पाइसेस यूज़ करेंगे, तो इसमें हमें सॉल्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि वो मैंने पहले ऐड नहीं किया था, इसी वजह से मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और देखिए, इसको हमने थिक सा पेस्ट बना लेना है, जितना कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। सेम इसी तरह से थिक रखिएगा ताकि ना एक लेयर आ जाए, इस पर कोटिंग अच्छी तरह से हो सके। अब यहाँ पे हमने ले ली हैं सवैयाँ, यानी कि वर्मीसेली, जिन्हें आपने अच्छी तरह से ना इसके अंदर कोट कर लेना है और ये इतनी क्रिस्पी बन के रेडी होंगे कि बारिश के मौसम वैसे भी चल रहे हैं, अगर आप इन्हें बारिश के मौसम में बनाएंगे तो इससे परफेक्ट स्नैक कोई और हो ही नहीं सकता। तो इन्हें लाजमी ट्राई करिएगा। तो सबको हम इसी तरह से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर ब्रेड क्रम्स यूज़ करना चाहें तो आप वो यूज़ कर लीजिए, लेकिन इससे ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिए, इससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाता है। और आप मेरी रेसिपीज़ को देख के लाइक कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त हमारे पोटैटो स्नैक बन के रेडी हो चुके हैं। तो चलिए फिर, देर किस बात की है, आप भी रेसिपी को इसी तरह से ट्राई करिए और मुझे लास्ट कमेंट में बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।